डर रही है बहुत ज्यादा, अभी पहचान नहीं रही ना। नमस्ते, हाय, हेलो हेलो एवरीवन, मैं ज्योति गड़िया मेहर आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग पे। तो आज का दिन है बड़ा अच्छा, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब दिन अच्छा है, इसलिए मैं सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के ब्रेकफास्ट बहुत ही रूखा सूखा है, मतलब बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ और मुझे बताइएगा कि ऐसा ब्रेकफास्ट किसको पसंद है। है रोटियाँ मेरी और ये है मेरी चाय और साथ में है चटनी। तो आज का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है बट मेरा फेवरेट है। मुझे चाय के साथ रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। कहते हैं ना, क्या करें, दिल से तो हम अभी भी पहाड़ी हैं और पहाड़ियों को ना ये चीज़ मतलब चाय और रोटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चाहे हम कितने भी दूर रह जाएं, पर ज़रूरी है हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो हमारे दिल में होना चाहिए। तो बचपन मेरी मम्मी भी बहुत हमें ऐसे खिलाती थी, तो वो मेरी अभी तक मेरा वो फेवरेट है। तो इससे कभी कभी वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं हर रोज़ ही पकवान बनाएं, कभी रूखा सूखा भी खाओ, वो भी बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिए। लगी है डांस करने में, दूध पियेंगे हम, दूध पियेंगे इधर या उधर, हर समय दूध पियेंगे, दूध पियेंगे भाई, दूध पियेंगे, ये दूध पियेंगे हम, दूध पियेंगे मम्मी नहीं हम, दूध पियेंगे ओहो, मैं दूध पियेंगे बाबा, दूध पियेंगे ला 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 ला। देखिए हमारे घर का हाल, इसकी इतना रो रही है ना, इसके पापा भी ऑफिस से आए तो इसके पापा ने इसको पता चला कि पापा जाने वाले, तो रो रही कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है ऑफिस में, अभी जाओगी, जाओ मत रो मत मेरा बच्चा मत रो, तो घर का सारा काम हो गया है। अब मैं लंच भी मैंने बना दिया है, बस अब सीटी आना बाकी है। और आज आने वाले हैं मेरे चाचा, वो मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में काफी पढ़ाया है और पिटाई भी की है। तो मेरे चाचा आ रहे हैं, साथ में आ रहा है उनका बेटा मतलब मेरा कजन, क्योंकि जो मेरा कज़न है उसको एम्स, मेरे कज़न को एम्स में दिखाना है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं आज। और मेरे घर से एम्स काफ़ी पास होता है इसलिए वो यहीं स्टे करेंगे 5-6 दिन ऐसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ओके, पता तो नहीं चलेगा बट मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें मैंने रखी है दाल, इसमें रखे हैं मैंने राइस, और इसमें रखी है मैंने पालक की सब्जी, ये है ना पालक की सब्जी, और को वो, और यह है सैलेड। आपको बताती हूँ इसकी कट कर रही है, धीरे से जाऊँगी नहीं तो मुझे देख लिया ना तो फिर वो मेरे पास ही आ जाएगी। वो लगी है खेलने में, ये देखिए अभी तक उसने मुझे देखा नहीं, अगर वो मुझे जैसे ही देखेगी ना, ओ हाय की देखिए कैसे, ये आ गए हैं मेरे चाचा और सोनू और चाची, और इसकी क्या इसकी की हालत है, बहुत डाउन, इसकी बहुत डर रही है, इसकी बहुत डर रही है, वो सोची कौन आ गए इसीलिए वो डर रही है बहुत ज्यादा। देखो छोड़ ही नहीं रही है, वो देख भी नहीं रही, इसने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है, ये देखिए ये वो डर रही है बहुत ज्यादा, अभी पहचान नहीं रही ना, अभी थोड़ी देर में पहचान लेगी फिर सही हो जाएगा। देखो नानू है, ये जो परसों नानू आए थे ना उनसे बड़े वाले नानू हैं ये। ये छोड़ेगी नहीं यार, चलो अब खाना खिलाती हूँ। किचन में आई हूँ बर्तन धोने के लिए, और देखिए मुझे कितना प्यारा सा कपल मिल गया है, शायद वो अपनी फैमिली के लिए खाना भी लेके जा रहा है, सो क्यूट ना, ये देखिए शायद मेरी आवाज़ सुन के ना ये लोग खा नहीं रहे, खाओ आप लोग मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं ना हर रोज़ वहाँ पे खाना रख देती हूँ ताकि कोई भी बर्ड्स, ओ माय गॉड सो सॉरी। अब देखो एक और चीज़ दिखाती हूँ, अब पता है मेरे उससे नहीं डरे, वहाँ पे आ गई है एक स्क्वायरल, ये देखिए गिलहरी,
ये तो मुझसे नहीं डरती बिल्कुल भी, क्योंकि हर रोज मुझे देखती है। देखिए हाय, ये भी चले गए। तो फ्रेंड्स मैं इनको खाना खाने देती हूँ, नहीं तो ये लोग ना बेचारे नहीं खा पाएंगे। फ्रेंड्स मेरे चाचा लेके आए हैं बाल मिठाई। कहाँ मिलती है? दिल्ली में, पहाड़ों की बाल मिठाई। ये उत्तराखंड की स्पेशल मिठाई है, इसे कहते हैं बाल मिठाई। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए रख लूँगी मिठाई। तो ये मैंने रख दी है भगवान जी के लिए मिठाई। फ्रेंड्स अब मैं अपनी फ्रेंड्स को, मतलब अपने जो अगल बगल के दोस्त हैं उनको, अब अपने चाचा जो मेरी मिठाई लेके आए हैं उनको शेयर करूँगी। तो मैं उनको दे के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? कि झूल रही है सुहाने से मौसम में, और चाचा चाचिया हमारे साथ मार रहे हैं गप्पे जान के साथ, और सोनू अंदर दिख ही नहीं रहे यहाँ सोनू का। हम ये देखो चाचा, हम ऐसा आपू करते थे बचपन में, घुघुती बासुती नहीं करते थे, बहुत थी चाचा के साथ हमने बहुत किया। चाचा ने गजब लगाए भी दो तीन है मेरे को लगा रखे यार बहुत। सही है, मेरे को तो बहुत ही मारा चाचा ने। हाँ देखिए, ये देखिए है मेरी चाची, है ना क्यूट सी। चाची रहती है अल्मोड़ा में, और चाचा और चाची अल्मोड़ा में रहते हैं, और चाचा मेरे आर्मी स्कूल में टीचर हैं। ये देखिए आर्मी स्कूल अल्मोड़ा में, मैंने भी वहीं पढ़ाई करी है। तो अब हम करते हैं वीडियो की एंडिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय चाची, बाय कह दो, बाय बाय।